हेलो दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक कुन्नूर। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे गूगल फॉर्म को यूज करते हुए हम ऑनलाइन क्विज कैसे बनाएं। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट ऑनलाइन क्विज अटेंड करता है, हम उस स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट कैसे सेंड करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फॉर्म्स को ओपन करने के लिए गूगल सर्च पर टाइप करें गूगल फॉर्म्स। जैसे ही हम गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे, गूगल हमें कई लिंक दिखाएगा। हमें क्लिक करना होगा सबसे पहला वाला लिंक और क्लिक करें गो टू गूगल फॉर्म्स। दोस्तों, जैसे ही हम गो टू गूगल फॉर्म्स पर क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया होम पेज ऑफ गूगल फॉर्म्स। राइट टॉप कॉर्नर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है टेम्पलेट गैलरी। क्लिक करें टेम्पलेट गैलरी। टेम्पलेट गैलरी में कई कैटेगरी दिखाई देते हैं, जैसे कि पर्सनल, वर्क और एजुकेशन। एजुकेशन में एक ऑप्शन है ब्लैंक क्विज। क्लिक करें ब्लैंक क्विज। दोस्तों, हम जैसे ही ब्लैंक क्विज पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओपन हो गया एक ब्लैंक क्विज फॉर्म। दोस्तों, ऑनलाइन क्विज के साथ साथ हमें स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट भी भेजना है। इसके लिए हमें एक एड ऑन इंस्टॉल करना होगा। वो एड ऑन का नाम है सर्टिफाई यम। चलिए दोस्तों, हम एक एड ऑन इंस्टॉल करते हैं। इस गूगल फॉर्म में एड ऑन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो राइट टॉप कॉर्नर में तीन डॉट दिए गए हैं, इस पर क्लिक करें और क्लिक करें एड ऑन्स और सर्च एप्स में टाइप करें सर्टिफाई यम। सर्टिफाई यम हमने सर्च कर लिया सर्टिफाई यम। अब हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करें और क्लिक करें इंस्टॉल। यहाँ पे ये ऐप जो है हमसे परमिशन मांग रहा है, हमें क्लिक करना होगा कंटिन्यू। यहाँ पे हमें अकाउंट चूज करना होगा। मैंने अपना अकाउंट चूज कर लिया। स्क्रॉल करें और क्लिक करें अलाउ और क्लिक करें डन। जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, हमें यहाँ में ये क्लोज करना होगा और एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लें। दोस्तों, जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एड ऑन इंस्टॉल हो गया। चलिए हम चेक करते हैं एक बार। क्लिक करें एड ऑन्स पर और यहाँ पर देखें सर्टिफाई यम इंस्टॉल हो गया। क्विज बनाने से पहले हम देखेंगे सर्टिफाई यम में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लिक करें सर्टिफाई यम और क्लिक करें शो सर्टिफाई यम कंट्रोल्स। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कई ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टेटस, रिकॉर्ड्स, पासिंग मार्क्स, टेम्पलेट, कोटा एक्सेट्रा। सबसे पहले हमें सर्टिफिकेशन ऑन करना होगा या सर्टिफाई यम को टर्न ऑन करना होगा। इसलिए क्लिक करें टर्न ऑन। ये ऑन हो रहा है। इसी तरह जो भी सर्टिफिकेशन के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स में स्टोर होते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट, गूगल स्प्रेडशीट में स्टोर होते हैं। यह है इम्पोर्टेंट ऑप्शन, वो है पासिंग। मान के चलिए कि मैं एक क्विज कंडक्ट कर रहा हूँ, अगर स्टूडेंट स्कोर करते हैं मोर देन 50%, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को हम सर्टिफिकेट सेंड करते हैं। यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा पासिंग परसेंटेज। इसी तरह टेम्पलेट, टेम्पलेट में हमें कई ऑप्शन दिखाई देते हैं, ब्लैक फ्रेम, ब्राउन फ्रेम, गोल्डन एक्सेट्रा। इसके अलावा हम अपना कस्टमाइज टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। इस टेम्पलेट को प्रीव्यू देखने के लिए क्लिक करें प्रीव्यू ऑल। दोस्तों, ये है सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स और ये है सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स के कुछ सैंपल्स, जैसे कि ब्लैक फ्रेम, ब्राउन फ्रेम, गोल्डन हॉरिजॉन्टल लाइंस, पर्पल बैनर, रिबन एक्सेट्रा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। चलिए हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या है। क्लिक करें हियर। दोस्तों, जब भी हम सर्टिफिकेट बनाते हैं, उस सर्टिफिकेट में कुछ टैग्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फुल नेम, टाइटल, डेट, पासिंग परसेंटेज एंड सर्टिफिकेट आईडी। एक चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो फुल नेम हम जो लिख रहे हैं, वो एक टू कर्ली ब्रेसेस या डबल कर्ली ब्रेसेस के अंडर हमें लिखना होगा। इसको इस्तेमाल करते हुए हम ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम ब्लैंक क्विज फॉर्म की तरफ जाते हैं। हमने टर्न ऑन कर लिया, टेम्पलेट के बारे में जान लिया। चलिए कुछ एडवांस ऑप्शन देखते हैं। एडवांस ऑप्शन में क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। क्लिक करें एडवांस
जैसे ही हम एडवांस ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है। जब भी स्टूडेंट अपना क्विज या एग्जाम सबमिट करेगा, उसे हम क्या मैसेज दिखाएं। हम टाइप कर सकते हैं, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ यू पास यू विल रिसीव योर प्रिंटेबल सर्टिफिकेट। इसी तरह सेंडर का नाम हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं सेंडर का नाम सेट करता हूँ MDK। सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, जो भी मैं ईमेल पार्टिसिपेंट और स्टूडेंट्स को भेजूंगा उसका सब्जेक्ट क्या होगा, मैं सेट करता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर बॉडी है तो कुछ बॉडी भी लिख सकते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। दोस्तों, अगर स्टूडेंट फेल भी हो गया, उसको भी हम सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं, तब हमें ये ऑप्शन टिक करना होगा। अब मैं टिक नहीं करूंगा। सर्टिफिकेट हम कौन से फॉर्म में भेजना चाहते हैं, PDF में या इमेज में, वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ PDF। टाइम जोन भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट का फॉर्मेट भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। मैं सेलेक्ट करूंगा day 1 with slash और क्लिक करें सेव चेंजेस। चलिए दोस्तों, सेटिंग तो हो गई, अब हम एक ऑनलाइन क्विज बनाएंगे स्टूडेंट्स के। यहाँ पे टाइप करना होगा टाइटल का नाम होगा Test 1। एक सैंपल टेस्ट है। ईमेल आईडी एक मैंडेटरी फील्ड होगा जो स्टूडेंट को एंटर करना होगा। फुल नेम एक मैंडेटरी फील्ड होगा। अदर आइडेंटिफायर की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज कलर ऑफ स्काई। ऑप्शन दिए गए येलो ग्रीन ब्लू रेड। हमें आंसर सेलेक्ट करना होगा, आंसर की एडजेक्टिव। जब भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आंसर करेगा उसको मिलेंगे 1 पॉइंट। क्लिक करें डन। इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्लिक करें ऐड क्वेश्चन, सेलेक्ट करें मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, हु इज PM ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन अमित शाह, तीसरा ऑप्शन राहुल गांधी, लास्ट ऑप्शन सोनिया गांधी। अब हमें की आंसर सेलेक्ट करना होगा। की आंसर सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करें आंसर की। सही आंसर है नरेंद्र मोदी। इसको आंसर पर करने पर मिलेंगे 1 पॉइंट और क्लिक करें डन। दोस्तों, ये क्विज अब रेडी हो गया। चलिए हम ये क्विज जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। शेयर करने के लिए हमें क्लिक करना होगा सेंड फील्ड। क्लिक करें सेंड, सेलेक्ट करें लिंक। इस लिंक को शॉर्टन करेंगे और इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद हम एक विंडो ओपन करेंगे और इसके द्वारा हम क्विज को ओपन करेंगे। चलिए हम अब अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे, फुल नेम एंटर करेंगे और व्हाट इज कलर ऑफ स्काई, इसका आंसर है ब्लू, लेकिन मैं टाइप करूंगा रेड। और हु इज PM ऑफ इंडिया, इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। क्लिक करें नरेंद्र मोदी और सबमिट करें। स्कोर को देखने के लिए क्लिक करें व्यू स्कोर। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस में मैंने 1 सही जवाब दिया है, तो मेरे मार्क्स हो गए 1 out of 2। दोस्तों, अब हम देखेंगे जैसे ही स्टूडेंट अपने आंसर सबमिट करेगा, ऑटोमेटिकली उसके ईमेल आईडी पे वो सर्टिफिकेट चली जाएगी। चलिए हम अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हैं, जीमेल ओपन करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 सर्टिफिकेट आ चुकी है, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। इस पर क्लिक करेंगे, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, ये जो मैसेज हमने टाइप किया था। और ये सर्टिफिकेट यहाँ पे नाम दिया गया है मुश्ताक कुल्लू हुबली, हैज कम्प्लीटेड Test 1, डेट है 3/9/2020 विद स्कोर ऑफ 50%। दोस्तों, इस तरह हम ऑनलाइन क्विज के साथ साथ सर्टिफिकेट भी जो है स्टूडेंट्स को हम भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पसंद आया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।